हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है और मैं आपका भुवन स्टडी सेंटर पर वेलकम करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम वेव के बारे में जानेंगे। हम बेसिकली वेव की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और आज का ये जो लेक्चर है उसमें वेव क्या है हम इसका एनालिसिस करने जाएंगे, जानेंगे वेव क्या है। तो चलिए अभी मैं आप जो लेक्चर की शुरुआत है आपसे क्वेश्चन से करता हूँ। अगर जस्ट सपोज कीजिए मेरे पास 3 kg की एनर्जी है, जस्ट सपोज कीजिए इसके मैंने इस पार्टिकल को, इस बॉल को 3 किलो जूल की एनर्जी दी, ये जो पार्टिकल उसको 3 किलो जूल की एनर्जी दी और मैं चाहता हूँ कि इस पार्टिकल के पास भी कुछ एनर्जी आ जाए, तो बताइए हम ये कैसे कर सकते हैं। इस पार्टिकल, ये जो बॉल है इसके पास 3 किलो जूल की एनर्जी है, मैं चाहता हूँ कि इस पार्टिकल के पास भी कुछ एनर्जी आ जाए इसकी मदद से, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ। आपके दिमाग में मोस्ट प्रोबली एक आइडिया आता होगा कि क्यों ना हम ये जो बॉल ए है उसको बॉल बी से क्यों ना हम कोलिजन करवा दें। कोलिजन करवाएंगे तो मैं भी कुछ एनर्जी इससे ले ले, ठीक। तो ये देखिए, ये जो छोटा सा एग्जांपल है इसमें एनर्जी का ट्रांसफर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे हो रहा है हम इसका स्टडी कर रहे हैं, एक मतलब स्टडी किए कि एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। ओके, आप यहां पर इस फोटो में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें कैसे, मतलब एक एक कोई बॉल है, एक मान लीजिए इस बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो कैसे इससे कोलाइड करके इसको भी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। ओके, यहाँ पर अगेन जस्ट सपोज कीजिए दोनों पार्टिकल हैं तो ये कैसे एक दूसरे के साथ ये काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज कैसे करेंगे। ओके, तो अभी तक मतलब हम आप जो पढ़ रहे थे, आपकी जो समझ थी क्लास 11th की, जो अभी तक जो लेक्चर्स आप पढ़े होंगे उसमें आपके दिमाग में एक चीज आया होगा कि अगर एनर्जी का ट्रांसफर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में करना है, तो उसमें पार्टिकल का मूवमेंट होना जरूरी है। आप बात समझ रहे हैं, मतलब मुझे अगर जो सपोज कीजिए एक पार्टिकल ए है, यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, तो अगर मैं चाहता हूं कि जो इस पार्टिकल ए के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी बी के पास आए, तो इसमें अब इसमें क्या होगा कि पार्टिकल ए जो है बी पे जाएगा और उसके पास जो भी एनर्जी होगी उसको ट्रांसफर कर देगा। ओके, मतलब इसमें पार्टिकल का मूवमेंट इन्वॉल्व था, ओके। जस्ट सपोज कीजिए अगर कुछ हमें ऐसी चीजों की जरूरत पड़े जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो, अगर मैं अभी इस लेक्चर में अगर मैं एनर्जी के साथ कुछ बोलूं, मैसेज या सिग्नल, तो मेरा मतलब नहीं होगा एनर्जी का। अगर हमें कोई मैसेज की करने के मैसेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करने की जरूरत हो, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करने की जरूरत हो, तो हम कैसे करेंगे। आप देखिए आपके पास में, आपके आसपास में बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे, बहुत सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होंगे जिसमें सिग्नल का, मैसेज का ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन उसमें कुछ किसी भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। आप बात समझ रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, बट मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, ये कैसे पॉसिबल है। तो आपके दिमाग में आता होगा ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये होता है, आप ये जानते हैं, आपने फील किया होगा। लाइक आप जस्ट सपोज कीजिए लाइक जैसे ये कोई डॉगी है, ये बार कर रहा है, तो ये आपको सुनाई देगा। ऐसा नहीं कि ये डॉगी आपके आके आपके कान में धीरे से कुछ बोलेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो मैसेज जो डॉगी ने जो फोकने का, जो बार करने का जो मैसेज दिया है वो आपके कान में आया है, लेकिन डॉगी उसमें मूव नहीं किया। तो इस टाइप के बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसमें मैसेज का,
सिग्नल का मैसेज और सिग्नल और एनर्जी का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, मैसेज एक पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रांसफर होता है, लेकिन इसमें जो मैटर है, जो मतलब जो मैसेज को कैरी करने वाला आइटम है, उसका ट्रांसफर नहीं होता। अब समझ रहे हैं, जैसे इस केस में मैसेज को कौन कैरी कर रहा है, बार्क करने का जो मैसेज कौन, उसको डॉगी कैरी कर रहा है, लेकिन क्या डॉगी इसके कान तक पहुंचा? नहीं। तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, लेकिन जो एनर्जी को कैरी कर रहा है उसका ट्रांसफर नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? तो कुछ इस टाइप के मैकेनिज्म नेचर में है। लाइक आप जैसे सपोज कीजिए, हम बोन फायर करते हैं, बोन फायर तो अब देखिए, लाइट तो फ्लेम यहां पर जनरेट होता है, फ्लेम जो है इस जगह पर यहां पर जनरेट होता है। ओके, क्या आप इस फ्लेम को टच करते हैं? नहीं ना। लेकिन आप हीट को फील करते हैं कि नहीं? आप जो है हीट को फील करते हैं और आप रिलैक्स फील करते हैं, हीट को फील करते हैं। तो यहां पर देखिए, हीट ये जो एनर्जी है यहां पर से यहां आपके हाथ में ट्रांसफर हुआ, लेकिन कोई मैटर का ट्रांसफर हुआ जो उस एनर्जी को कैरी कर रहा था? नहीं। समझ रहे हैं? मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है, लेकिन जिसके पास इनिशियल स्टेज में एनर्जी होती है उसका ट्रांसफर नहीं होता है। आप बहुत सारी और भी चीजें देखे होंगे जिसमें आप देखेंगे कि जिसके पास एनर्जी होती है उसका ट्रांसफर वो भी मूवमेंट करता है। लाइक आप बहुत सारे मैकेनिकल मशीन्स देखे होंगे, जैसे आप जो सपोज कीजिए इसमें आप किसी को लाइक आप देखें इसको देखें, मान लीजिए आप यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देंगे तो मे बी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हो, लेकिन ये देखें तो सारा मूवमेंट के थ्रू, ये सब पार्टिकल का ट्रांसफर है, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोलिजन हो रहा है, ठीक ना। लाइक यहाँ पर भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोलिजन हो रहा है ये, लेकिन ये सब पार्टिकल एक दूसरे में लिंक्ड है, इसमें मोशन होता है, सारे पार्टिकल मूव करते हैं, सारे इक्विपमेंट सारे लिंकेज मूव करते हैं। तो अभी आज हम लोग एक ऐसी फिनोमिना, एक ऐसे नेचर में होने वाले ऐसे फिनोमिना को हम बात करेंगे जिसमें जो सिग्नल कैरी करता है उसका तो मोशन नहीं होता, उसका जो है मोशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं होता, लेकिन एनर्जी जो है एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये वेव है, ये जो मैकेनिज्म है वी कॉल दैट मैकेनिज्म अ वेव। सो अ वेव इज इन वेव, व्हाट हैपन इन वेव, इन वेव बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम पार्टिकल विच कैरी एनर्जी, ओके, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वेयर पार्टिकल इज एट पॉइंट ए एंड विच कैरी एनर्जी, बट पार्टिकल डज नॉट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, मतलब क्या है कि पार्टिकल जो एनर्जी कैरी करता है वो मूव नहीं करता, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नहीं जाता, लेकिन वो एनर्जी का ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो मैकेनिज्म है वो इस, ये वेव है, ये जो मैकेनिज्म है उसको हम नाम दिया गया है, उसको वेव बोलते हैं। ओके, तो चलिए, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, पार्टिकल जो है मूव कर जाए, लेकिन सॉरी एनर्जी जो है वो मूव कर जाए, लेकिन जो जिस पार्टिकल पास एनर्जी हो वो उस जगह तक न जाए, फिर भी एनर्जी का ट्रांसफर, ये पॉसिबल कैसे है? चलिए इसका एक क्लासिकल एग्जांपल देते हैं। जस्ट सपोज कीजिए आप एक लाइन में क्यू में खड़े हैं, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर आप लाइन क्यू में खड़े हैं। ओके, और हुआ यूं कि जस्ट सपोज कीजिए ये जो पूरा क्यू है क्यू में से किसी ने एक आदमी को आपने थोड़ा सा पुश दिया। ओके, इस आदमी को आपने थोड़ा सा पुश दिया। ओके, तो अब देखिए कुछ टाइम बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, आप देखेंगे ये आदमी को पुश मिलेगा। ओके, आप ये पूरा क्यू है,
आप ये आदमी हैं, ओके, पर आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा पुश दिया, और ओके, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ये इस आदमी को पुश मिल जाएगा, अगर आइडियल केस हो तो, ओके, अगर सभी लोग अनवेयर हों, सब लोग न जानते हो क्या हुआ है, तो इस आदमी को पुश मिलेगा। तो अब इसमें सिचुएशन को देखिए, आपने क्या किया, आपने इस आदमी को पुश दिया, मतलब शुरू में एनर्जी किसके पास गया, शुरू में एनर्जी इसके पास था, एनर्जी इसके पास, एनर्जी कहां से है, इसको आपने दी, ओके। अब देखेंगे कुछ टाइम बाद जो इसके पास जो एनर्जी थी वो यहां पर चली गई, ओके, लेकिन क्या ये यहां से यहां तक मूव किया, नहीं। अब मैकेनिज्म जानते होंगे, अब समझ गए होंगे मैकेनिज्म क्या था, मैकेनिज्म क्या होगा कि आपने इस आदमी को पुश किया, इस आदमी को ऑटोमेटिकली पुश कर दिया, इसने अपने आगे वाले को, नेक्स्ट आदमी को पुश किया, इसने अपने नेक्स्ट वाले को, इस तरह करते 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 फाइनल में इस आदमी के पास एनर्जी आ गई, ओके, काइनेटिक एनर्जी इस आदमी के पास आ गई। तो आप देखिए इस मैकेनिज्म में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि जो पहला आदमी था जिसके पास एनर्जी, आपने जिसको एनर्जी आपने दिया, वो तो मूव नहीं किया, बट एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। कुछ ऐसी ही चीजें वेव में होती हैं, कुछ सिमिलर टाइप के, लेकिन हमेशा वेव में ऐसे ही नहीं होती हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप के वेव में होती हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप के वेव में होती हैं, स्पेशल टाइप के वेव में, लाइक जो ये जो मैं अभी बोला ना, कुछ स्पेशल टाइप की वेव, इस वेव को हम लोग बोलते हैं मैटर वेव। इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई पार्टिकल होना चाहिए एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए मैं बोलूं कि अगर आप इस एग्जाम्पल के बेसिस पे जाएंगे तो आपके दिमाग में एक आएगा कि भाई पार्टिकल होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि ये भाई साहब मान लीजिए यहां पर ये एक कोई मान लीजिए मटेरियल है, इसमें कोई पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, आप यहां पर कुछ एनर्जी दिए तो में पॉसिबल है कि यहां पे ये एनर्जी आ जाए, ओके, अगर आप दिए तो में पॉसिबल है कि यहां पे एनर्जी आ जाए, ओके। आपके दिमाग में आएगा कि जब तक मटेरियल नहीं रहेगा वेव का ट्रांसफर ही नहीं होगा, वेव के ट्रांसफर होने के लिए मेटेरियल को होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेव का ट्रांसफर होने के लिए मटेरियल को होना जरूरी, मटेरियल ही हो ये जरूरी नहीं है। आपके पास एग्जांपल है, लाइक मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, आप लेक्चर, मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, तो क्या मैं आपके कान में आकर आप मेरे